नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सप्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे हमने इवेंट्स लॉन्च किए आपके लिए, ट्रांसेंडिंग द माइंड कोर्सेज, सप्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी कोर्सेज, और अभी एक और हमारा फॉरेन पॉलिसी पे कोर्स आने वाला है विद प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। और ऑल्सो वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू कोर्सेज फॉर वीकेंड गुरुकुलम, नोन एज वीकेंड गुरुकुलम अक्रॉस USA। उधर सब लोग जुड़िए और इस एपिसोड का बहुत आनंद लीजिए। अब आज हम लोग चलेंगे इजिप्ट की तरफ। एक मेरा प्रीवियस शो भी था, एज ए बैकग्राउंड आप देख सकते हैं हिंदू कनेक्शन टू इजिप्ट, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आज कुछ और ही बात होने वाली है। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते। सादर प्रणाम आपके सारे संसार भर में फैले दर्शकों को, साथ ही आपको, आपकी टीम को, आपकी कर्मभूमि को, सबको सादर प्रणाम। सो अभी पूरी रात हम लोग शिवरात्रि मना के बाहर निकल रहे हैं, अभी थोड़ी देर, दो तीन घंटे पहले सब लोग घर पे पहुंचे होंगे जी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि इतनी भीड़ मैंने ना किसी भी साल में नहीं देखी पिछले 10 सालों से इस मंदिर में। इतनी भीड़ कि वहां पे लाइन लगी थी शॉपिंग मॉल के कोने तक। एक मंदिर है श्री मंदिर सैन डिएगो में, काफी कोने, इतना बड़ा भीड़ लगी थी। सो ये सनातन धर्म तो फैल रहा है एंड पीपल आर अनअशेमली शोइंग नाउ कि अब अच्छी बात है, हिंदू भी अपने धर्म की तरफ सजग होकर दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आदित्य जी, इसका उत्तर तो काफी लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन संक्षेप में जो मैं मानता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, ऐसा है कि मैंने बार बार मनन चिंतन किया है कि जब से सोशल मीडिया पर सूचना का या ज्ञान का या जो भी कह लीजिए उसका विस्फोट हुआ है, तो दो बातें उभर के सामने आई है। जो अब्राहिमी जिसको कहते हैं, जिनमें मुख्यतः इस्लाम और ईसाइयत है, यहूदी तो छोटा सा है परिशिष्ट, तो उसकी चर्चा ना भी करें तो चल जाएगी बात। तो इनके बारे में जो कुछ भी इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो उससे कुछ न कुछ दुर्गुण ही आता है, या उनकी कलई खुलती है या पोल खुल जाती है। दूसरी ओर सनातन का कोई पृष्ठ खुलता है, कोई इतिहास खुलता है, तो उससे सौरभ सुरभित हो जाता है संसार, और उसमें चूंकि संसार की चिंता है, सबके लिए सब कुछ करने की बात है, इसलिए जो हमारे आपके जैसे लोग मान लीजिए 10 साल पहले तटस्थ भी थे, अब वे खुल गए और जो दूसरे हैं वे प्रभावित हुए, क्योंकि पहली बार ये ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गया। जैसे आपने इतनी बातें की, दूसरों ने की, महाभारत है, पुराण है, रामायण है, तो इन बातों की जानकारी हमारे देश में इतनी नहीं थी, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन आज एक बार आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं तो सारे संसार में वो बात व्याप्त हो जाती है। जैसे आज से 10-15 साल पहले क्या आपने स्वयं सोचा था कि लैटिन अमेरिका में जो मंदिर हैं, जैसे मंदिर हैं, उनका विवरण किसी ने दिया हो? आप दे रहे हैं। हमारे देश में क्या, या एक उदाहरण यही ले लीजिए ना कि हिंदू, कोई भी हिंदू किसी दूसरे को पकड़ के जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाता, यह उसके संस्कार में नहीं है। लेकिन इस बात को इससे पहले महत्व नहीं दिया गया, अप्रिशिएट नहीं किया गया, अब आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अब यह परिवर्तन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए सत्य सर्प चढ़ के बोलता है, सत्य का पिटारा खुल गया है, सत्य अब चारों तरफ व्याप्त हो गया है, और हमारे आपके जैसे जितने भी व्यक्ति हैं, हम लोग जो लघु प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, उस सब का सुखद परिणाम अब सामने आ रहा है। तो ये मेरा संक्षिप्त उत्तर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब इजिप्ट की तरफ चलते हैं। तो इजिप्ट कहानी क्या है सनातन धर्म की, क्योंकि
इजिप्ट इज वेरी, मेरी बुक में तो ओरिजिनल एटलस में मैंने प्रूव भी किया है, अमुन रा भगवान राम के बारे में ही बात हो रही है। तो बात करते हैं, मैं आपका भी उल्लेख करूंगा आपने इस अपनी वार्ता में। सबसे पहले जगत गुरु याद करें, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। देखिए आदित्य जी, आपसे मेरी बातचीत हो रही थी और विषय मैं सोच रहा था, तो जो ये मिस्र है इस पर मैं सालों से चिंतन मनन करता रहा हूं थोड़ा बहुत, और इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा सोचता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सामने गणमान्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं जिनमें आप भी सम्मिलित हैं, तो मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूं कि एक पुस्तक मैंने देखी है, प्राचीन मिस्र में भारतीय संस्कृति, ये 2007 में पुस्तक लिखी गई है, नवीन खन्ना जी इसके लेखक हैं। इसके बाद दूसरी पुस्तक जो मेरी दृष्टि में आई है वो है इंडिया इन इजिप्ट, इसके लेखक हैं डॉक्टर तिलक रंजन बेरा। इन्होंने 3 वार्ताएं की हैं संगम टॉक्स पे, और इनका जैसे कहना है, एक वक्तव्य दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज इंडियाज गिफ्ट, ये उन्होंने कहा है। इसके बाद हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं आदित्य जी, इनकी तरफ मैं मुड़ा और इन्होंने जो वार्ताएं की हैं वो है सीरिया, सुमेर का भारत से क्या संबंध है, क्या रिश्ता बनता है, और सबसे बड़ी बात जो आदित्य जी ने की है और मैंने आज ही उसको देखा है अपने कार्यक्रम के लिए को ध्यान में रखते हुए, लगभग 1.25 घंटे का कार्यक्रम है वो, पिरामिड से जो कनेक्शन आपने भारत का बिठाया है और भारत के मंदिरों और पिरामिड के बीच के अंतः संबंध को मानचित्र के दृष्टिकोण से, वास्तुकला के दृष्टिकोण से, धार्मिक मान्यताओं के दृष्टिकोण से, ये आपका अद्भुत कार्य है। और मैंने इसको भी देखा अपने अपनी इस वार्ता की तैयारी के लिए। इसके बाद और आपका जो अपूर्व योगदान है कि आपने सिद्ध किया है कि पिरामिड नाम जो है गलत है, पिरामिड वस्तुतः मंदिर है, और हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो नाम को कैसे बर्बाद करते हैं और नष्ट करते हैं जो पौराणिक नाम होते हैं। तो ये आपकी स्थापना है और जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मुझे बड़ा आनंद आया है इसको सुन के, और मैं सारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि यदि आप इन सब चीजों को की गहराई में जाना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, यदि छात्र हैं या इस तरह के विषय में परीक्षा देते हैं, प्रतियोगिता देते में शामिल होते हैं, तो आप आदित्य जी की वार्ताओं को ध्यानपूर्वक सुने, बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञानप्रद है। बस बात इतनी है कि आदित्य जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया है और मैं जो बोलूंगा हिंदी बोलूंगा। इसके बाद मुझे अभूतपूर्व सफलता इस बात में मिली कि कुछ और पुस्तकें मिली, कुछ और लेख मिले, और उन सब में जो सबसे बढ़िया लेख मेरे सामने है, जिस पर मैं आज वार्ता मेरी आधारित होगी बहुत सीमा तक, इसके लेखक हैं मागदी अब्दल हादी। ये मूलतः मिस्र के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर सारगर्भित लेख लिखा है। तो अब मैं इस बात पे आता हूं, अपनी वार्ता का आरंभ इस तरह करता हूं कि मिस्र नामक जो देश आज हमारे सामने है यह अति प्राचीन देश है भारत की भांति, और इसकी जो मानव जीवन का या समृद्ध मानव जीवन का जो इतिहास है वह भी अति समृद्ध है। लगभग समझिए कि 6,000-7,000 वर्ष तक का व्यवस्थित इतिहास, पिरामिड जिसको हम मंदिर कहते हैं, लेकिन पिरामिड के अतिरिक्त और भी ऐसे भवन हैं जो शुद्ध रूप से मंदिर ही हैं, उनको आदि मंदिर ही कहा जाता है, जो कि आसमान में है, जो कि सिकंदरिया में है, और देवी देवता जैसे मैंने आरंभ में कहा, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, भारतीय देवी देवता हैं, उन पर मैं थोड़ा बहुत उल्लेख आगे भी करूंगा। तो एक अति समृद्ध अति प्राचीन देश मिस्र है।
और इस देश की विशेषता यह है कि कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य, संगीत, क्योंकि इसके मंदिरों पर जो व्यक्ति उकेरे गए हैं उनके हाथ में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो निश्चित रूप से भजन कीर्तन या गीत नृत्य सब कुछ होता होगा, उसका प्रमाण है। इन सब विविध क्षेत्रों में, और सबसे जो बड़ी बात है जो हमारे भारत के साथ मिलती जुलती और आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है, वो है गणित विषय। गणित में जो मिस्र की का समाज है वो बहुत आगे रहा है, जैसे भारत का, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं संख्या का अभ्युदय हुआ है, संख्या का निर्माण हुआ है, और संख्या कहाँ तक जा सकती है उस पर भी विचार हुआ है, शून्य, दशमलव, इन सब का आविष्कार हुआ है, और पिरामिड की जैसी बनावट है उसमें गणित का इतना व्यापक प्रयोग है कि आज भी हम और आप चकित रह सकते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि जिस प्रकार की गणना करके एक एक पिरामिड बनाया गया है, उस तरह की गणना जब कंप्यूटर में डाली गई तो कंप्यूटर को भी उस निर्माण में कई घंटे लगे। आप समझिए कि जो मशीनी गणना है, हम समझते हैं कि हम बटन दबाएंगे और वो चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिव्य दृष्टि रही होगी उनकी, कितना अपूर्व ज्ञान रहा होगा। और जैसे मैंने आरंभ में ही बताया कि सब ज्ञान के पीछे भारत है, जिस पुस्तक का मैं नाम ले रहा हूं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इंडियाज गिफ्ट, जिस पुस्तक में है, उसको तो मैंने उनकी वार्ता सुनी है, और उन्होंने यहां तक सिद्ध करने का प्रयास किया या सिद्ध किया है अपने ज्ञान से कि बंगाल की जो खाड़ी है या उस तरह का क्षेत्र है, या अंडमान निकोबार को ले लीजिए, उन सब क्षेत्रों से जो लोग गए थे 10,000-12,000 वर्ष पूर्व मिस्र में, उन्हीं लोगों ने मिस्र का मानव जीवन समृद्ध किया है, वहां धर्म की स्थापना की है, वहां की परंपरा बनाई है, और उसी से इतनी समृद्धि वहां आई है। आदि जी जरा मिस्र पर जूम करके दिखा दीजिए, तो मुझे मैप नहीं दिखाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, कि अलेक्जेंड्रिया से लेके सूडान तक, किन्या तक, ये मंदिर ही मंदिर है सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और हर मंदिर के पीछे, और सारे मंदिर ओरिएंटेड है एक ही दिशा में, विच इज जो इनका 29 डिग्रीज 20 लैटिट्यूड पे है। तो ये सारे मंदिर एक सबॉर्डिनेट मंदिर है मेन मंदिर के, गीजा के। और आप पहले दिखाइए, आप अपना भी स्क्रीन दिखाइए, एंड दिस इज द मैप। मैं जूम इन भी करता हूं इसको। अच्छा, आप ही दिखा दीजिए ना, मैं मुझे थोड़ा सा ही दिखाना है। आप बस मिस्र के पास आ जाइए। बस इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और नीचे ले आइए। ये गीजा का पिरामिड ये रहा। नहीं, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर, हाँ बस यही रोक लीजिए, नीचे और नीचे ले आइए। जो ग्रीन है ना, नहीं नीचे मतलब ऊपर नॉर्थ ले आइए, नॉर्थ इजिप्ट। हाँ, ये जो पैच है ये ऊपर। हाँ, ये और इसको जूम इन कीजिए। हाँ, और उसको ग्रीन जो है ना, ये ग्रीन दिखेगा ना, और बस यही रोक लीजिए। मैं इसका थोड़ा सा भूगोल बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये पूरा पश्चिम और दक्षिण में बिल्कुल आपको मरुभूमि दिखाई दे रही है, एक ही पैच है जो घनघोर हरियाली है जहां पे, जिसको शस्य श्यामला कहते हैं, और ये जो शस्य श्यामला है यही वहां के मानव जीवन, वहां की सफलता, वहां के राजतंत्र सबका आधार है, क्योंकि ये नील नदी के दोनों किनारे हैं, और नील नदी एक विशाल नदी है, और इसकी बनावट ऐसी है कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। और इसीलिए मिस्र की जो
अवस्थिति है वो अपने आप में अनोखी है। जिस आप रोमन की बात कर रहे थे अभी, रोमन साम्राज्य की, जिसने इसे जीता था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। अब थोड़ा मैप को और ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ, हाँ तो ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर, नहीं नहीं ये तो नीचे आ गया, हाँ थोड़ा सा और ऊपर, भूमध्य सागर में दिखाना चाह रहा हूं ना, यूरोप, हाँ 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 आप दिख गया, बस बस यहीं पर रखिए, यहीं पर रखिए, यहीं पर रखिए। यहां पर जो ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का, यहीं पर इटली और ग्रीस है, और यहां पर ये मिस्र है। तो ये करीब आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, उससे भी बोलते हैं 332, मतलब आज से लगा लीजिए 2300 वर्ष पूर्व, हाँ 2300 वर्ष पूर्व कहते हैं कि रोमन साम्राज्य जो है या सम्राट वहां का, इसने इस पर आक्रमण किया था और इस मिस्र को जीत लिया था। यहां मैं दिखाना यह चाह रहा हूं कि जिसको हम रोमन साम्राज्य कहते हैं वो वस्तुतः उसको यूरोप से कोई लेना देना नहीं था। उसने जब मिस्र को जीता तब वो धन्य धान्य प्राप्त किया उसने, क्योंकि इतना धन्य धान्य और कहीं था नहीं। क्योंकि यूरोप में उत्तर की ओर जाएंगे तो वहां बर्फ थी, वहां हिमाच्छादित क्षेत्र था, कृषि की संभावना बहुत कम थी, थोड़ी बहुत जो कृषि की संभावना थी वो इटली में ही थी, ये भूमध्य सागर के आसपास, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, इसके ऊपर कोई संभावना नहीं थी। तो वस्तुतः जिसको आप रोमन साम्राज्य कहते हैं वह मिस्र है। यह मिस्र का दुर्भाग्य है कि मिस्र का नाम नहीं चलता और रोमन साम्राज्य हो जाता है। यही रोमन साम्राज्य बाद में यहां से रोम से खिसक कर चला गया था इस्तांबुल में, जिसका नाम कुस्तुंतुनिया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो आदमी है, राजा था बाइजेंटिन एम्पायर का, उसकी राजधानी थी और उसकी राजधानी का ही नाम कुस्तुंतुनिया है और उसी का आज का जो नाम है इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल से भी इस पर शासन हुआ है। तो मैं यहां पर इतना ही बताना चाह रहा हूं कि मिस्र अपने आप में जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, जितने भी आयाम हो सकते हैं मानव जीवन के, हर आयाम से, हर दृष्टिकोण से अति समृद्ध अतीत वाला देश रहा है। फिर भी यह एक विचार करने का प्रश्न है या एक चिंता का विषय है कि इतना उन्नत किया हुआ देश या राष्ट्र कह सकते हैं, वो इन ईसाइयों से कैसे परास्त हुआ। प्रारंभ में तो ईसाई नहीं थे, जो रोमन साम्राज्य था वो पहले ईसाई नहीं था, वो तो हमारी आपकी तरह सनातनी था। तो क्या वो मिस्र से अधिक बलशाली था जिसके कारण वो जीत गया, और जीतने के बाद जब ईसाइयत फैली है यूरोप में धीरे धीरे, विशेषकर चौथी शताब्दी में इसी कॉन्स्टेंटाइन के कारण, और चूंकि उसके अधीन ये क्षेत्र आ गया था, तो धीरे धीरे ईसाइयत का फैलाव हुआ। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि छठी सातवीं शताब्दी तक पूरा मिस्र का ईसाईकरण हो गया होगा, लेकिन मैंने जितनी पुस्तकें देखी हैं, लेख देखे हैं, उनमें ऐसा ही बताया जाता है कि जब इस्लाम यहां आया तो उसके पूर्व यह मिस्र पूरी तरह ईसाईकृत हो चुका था, यानी ईसाईकरण हो चुका था इसका। मुझे शंका है, संदेह है, लेकिन कोई प्रमाण ऐसा मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं भी थोड़ी समय के लिए मान लेता हूं कि चलिए सातवीं शताब्दी तक इसका ईसाईकरण हो गया। यह मिस्र के इतिहास में बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मिस्र सनातनी था, इसमें किसी को आज कोई दुविधा और शंका नहीं है, रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यह शुद्ध सनातनी देश था, बहुदेव पूजक था, अनेक तरह के देवता देवता होते थे। यहां सूर्य को रे कहा गया है, जो अंग्रेजी का रे चलता है वो सूर्य को कहा गया है। मैंने कई वीडियो में देखा है यहां के जो अलग अलग तरह के मंदिर हैं, उन मंदिरों पे आप देवी देवताओं को देखें,
फिर उनसे हमारे देवी देवताओं का मिलान करें तो तनिक भी शंका नहीं होती है कि ये हमारे देवी देवता ही हैं। सिकंदरिया नाम का जो शहर है वो समुद्र के किनारे है, मिस्र में उत्तर की तरफ, और वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर होता था। उस देवता का नाम है सेरापिस। सेरापिस को मृत्यु का देवता कहा जाता है, जैसे हमारे यहां यमराज है, उनको औषधि का भी एक देवता कहा जाता है। उस मंदिर की जो बनावट है वो हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं या मंदिर की जो बनावट है या जो शैली है बनावट की, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। सेरापिस की मूर्ति ऐसी जगह स्थापित की गई थी कि सूर्योदय के उपरांत जो सूर्य की किरण पड़ती थी वो सेरापिस नामक देवता के होठ पर पड़ती थी। हमारे यहां पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है उसमें भी सूर्य समय के अनुसार दिन में कई बार देवता पर सूर्य की किरण पड़ती है, ऐसी व्यवस्था इस तरह की बनावट मंदिर की है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमें कोई शंका है ही नहीं कि मिस्र कितना सनातनी था, लेकिन इतना सनातनी देश ईसाइयों से परास्त क्यों हुआ, यह पहला प्रश्न है। इस पर हम विचार करेंगे बाद में भी। और जब एक बार उस सनातनी व्यवस्था पर आघात पहुंचता है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि एक लेख है मेरे सामने, उसमें दिया हुआ है कि एक प्राचीन मिस्र के जो लेखक हैं उनका नाम है अल मकरीजी, इन्होंने 8 आक्रमण जो किए गए हैं उनका उल्लेख किया है। ये आक्रमण सारे के सारे बाद में मुसलमानों के द्वारा किए गए मिस्र पर, लेकिन उसके पहले जो ईसाइयों ने किए आक्रमण और मंदिरों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, आज भी आप कहीं भी किसी YouTube पर कोई मंदिर का देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जगह जगह उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया है, मूर्तियों को तोड़ा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल सिविलाइजेशन, एक जो पुस्तक है क्लासिकल वर्ल्ड, क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन नाम है उसका, कैथरीन निक्सी की, उसको यदि आप देखें तो उसमें भयंकर रूप से वर्णन है, बहुत ही विशद वर्णन है कि कैसे मूर्तियों को तोड़ा जाता था, विशेषकर मिस्र की बात मैं कर रहा हूं। तो ये किया गया और उनका शासन था। अब ये जो शासन है ये चलता रहा, कितना अच्छा था कितना बुरा था ये तो आप मिनट के लिए भूल जाइए, लेकिन ये जो भी शासन व्यवस्था थी वो जो सनातन व्यवस्था थी उसकी शत्रु व्यवस्था थी, उस पौराणिक व्यवस्था से इसका कोई मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अब्राहमी रिलीजन है वह हमारे सनातन के लगभग विरुद्ध खड़ा होता है। इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह अपने आप को एक्सक्लूसिव मानता है, जिसको हम हिंदी में एकांतिक कहते हैं। यह कहता है कि केवल हम ही सही है, केवल हमारा गॉड ही सही है, बाकी कोई सही नहीं है, बाकी सारे गॉड फॉल्स हैं, इसलिए उनको मिटा देना नष्ट कर देना हमारा पुनीत कर्तव्य है। दूसरा उसी क्रम में और उसी का जो जुड़ा हुआ भाग है वह है मतांतरण का, वह है ईसाई बनाने का। आप येन केन प्रकारेण उसको ईसाई बनाते ही हैं, वह जैसा है वैसा नहीं रह सकता। तो जब व्यक्ति वैसा नहीं रह सकता है
तो व्यक्ति जो पहले उसकी उपासना पद्धति थी, क्या उसके प्रति कोई आदर भाव होगा, क्या श्रद्धा भाव होगा? जैसे उदाहरण के रूप में, यदि मैं हिंदू हूं तो गंगा मेरे लिए माता है, मैं गंगा की पूजा करता हूं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दिन निर्धारित किए गए हैं जिन दिनों में हमको गंगा की पूजा करनी है। लेकिन जिस दिन मैं वो हिंदू नहीं रहूंगा तो मेरा उस गंगा के प्रति क्या भाव होगा? विद्यापति ने एक जगह लिखा है गंगा जी के बारे में कि गंगा माता मुझे आप माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूजने आया, आपके जल से अपने आप को शुद्ध करने आया, लेकिन मेरे दोनों पैर भी लग गए। ऐसा भाव कैसे आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए जो पुराना धर्म है उसको आपने लगभग नष्ट कर दिया। इतना क्या पर्याप्त नहीं था? तो 640-42 में जो अभी अभी आदित्य जी ने जो मानचित्र दिखाया है, वो छोटा सा एक हिस्सा है जिसको सिनाई बोलते हैं, प्रायद्वीप, जो इज़राइल से जुड़ा हुआ है और मिस्र के उत्तर पूर्व में, उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो आज का सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब से मुसलमान, वहां से उन्होंने आक्रमण किया मिस्र पर, और शुरू में जो उत्तर का भाग था मिस्र का, उस भाग को मुसलमानों ने जीत लिया। मुसलमान के कारण जो इस्लामीकरण हुआ है मिस्र का, इसके विषय में अधिक जानकारी हमारे पास है, और मुझे लगता है इसके पीछे भी ईसाइयों का एक सोचा समझा, कहिए कि कोई षड्यंत्र है। अपने विषय में वो विशद वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने क्या क्या किया इसका विशेष ज्ञान हमें देते हैं। तो ऐसा हमें बताया गया है कि जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इस्लाम तो आ गया, लेकिन अब लोगों का क्या करें? लोग तो हैं ईसाई हैं, और यहां के ईसाइयों का एक विशेष नाम है, ये सामान्य ईसाई नहीं है। आदित्य जी ने भी अपनी वार्ता में इस बात की का उल्लेख किया, ये हैं कॉप्टिक क्रिश्चियन, इनको कॉप्ट कहा जाता है, इनका नाम ही है कॉप्टिक, पता नहीं क्या है। कहा जाता है कि ये कैथोलिक का ही एक हिस्सा है, जो भी हो। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं, कॉप्टिक का अर्थ होता है कि जो क्रिप्टिक से आया है, क्रिप्टिक, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि बारे में जानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें लैटिन शब्द आ जाते हैं, और एक पेजोरेटिव टर्म है, पेजोरेटिव मतलब तो ये नेगेटिवली दिखा, जैसे पगान दिखा दिया, शमन दिखा दिया। मैं वेटिकन की पिक्चर्स दिखा रहा था जहां पे मैं गया था, और वहां पे वेटिकन में वेटिकन का कोई इतिहास नहीं है, वहां पे कॉन्केस्ट का इतिहास है, रोमन कॉन्केस्ट का इतिहास है, जहां पे चर्च गया उसने बिठा दिया। और मैं आपको एक मूर्ति दिखाई थी वराह देव की, वो मैंने वार्ता में देखी थी, वरण अभी 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 भी दिखाई थी स्क्रीन पे, वराह देव की मूर्ति जो है बनी हुई है वहां पे। और मुझे, आपको तो मालूम है मेरा बैकग्राउंड, तो मुझे मूर्तियां देख के मैं समझ जाता हूँ किसने बनाई है, किसकी बनी है, वो सारी पुराणों के आधार पे बनी मूर्तियां हैं। बिल्कुल। और डायरेक्शन, और उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। आप किसी भी पिरामिड को देखते हैं ना, मंदिर है, वहां की मूर्ति होगी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो और जो उसका जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा होगी, वहां पर पूजा घर होगा, और साउथ ईस्ट में उसका एकदम वास्तु पुरुष के अनुसार बनती है। और ये सारे पिरामिड जो है हस्तिनापुर के लैटिट्यूड पे है, सारी के सारे। देखा मैंने, देखा एक लाइन में है।
प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, बहुत सिमिलैरिटीज है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो इस्लाम आया तो पहला काम उसने क्या किया, उसने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं जो कॉप्टिक क्रिश्चियन हैं उनको, उन पर जजिया लगा दिया। जजिया आप सब जानते हैं, जजिया क्या होता है, यह एक ऐसा मानव इतिहास का विचित्र विभेदकारी, घनघोर विभेदकारी कर है जिसके बारे में केवल इस्लाम ही सोच सकता था। और संसार भर में जो अधिकतर लोग विशेषकर निर्धन जिन्होंने इस्लाम को स्वीकारा है उसके पीछे यही कारण है जजिया का। जजिया है, उसके पीछे का जो कहिए कि कारण है वो यह है कि यह शासन मुसलमानों का है, मुसलमानों की रक्षा करना उस शासन का परम कर्तव्य है, लेकिन जो मुसलमान नहीं है उनका संरक्षण हो, उनका, उनको भी हम सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए आवश्यक है कि वे हमें कोई कर दें, और यह कर आय पर है। आपकी कितनी आय है उसके आधार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि संसार में ऐसा कोई कर होता नहीं था पहले कि आप एक विशेष कोटि के व्यक्ति हैं, विशेष श्रेणी में आपको रखा गया है, इसलिए आपको कर देना है, इसलिए नहीं कि आपकी आमदनी कितनी है। तो यदि बड़ी बहुत ही निर्धन व्यक्ति को दो पैसे भी देने पड़ जाए पुराने युगों में तो कहते हैं कि उससे भी बचने के लिए वो बेचारे मुसलमान बन जाते थे। मिस्र में भी ऐसा ही हुआ, आरंभ में जजिया कर लगाया गया और उस कर से बचने के लिए बड़े सारे लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इस्लाम जब आपने स्वीकार कर लिया तो जजिया व्यर्थ हो गया, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। तात्पर्य यह है कि आपको एक हिसाब से अपमानित करने का, सार्वजनिक रूप से कहिए कि मतलब आपको चिन्हित करने का कि देखो यह व्यक्ति मुसलमान नहीं है, इस कर का इस तरह से उपयोग होता था, क्योंकि भारत में भी अनेक बार यह कर लगाया गया। तो इसमें जो मैं कह रहा था कि अल मकरीजी ने 8 बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं जिनका उल्लेख किया है, जो कॉप्ट, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है उनके ऊपर हुए, 1259, 1264, 1279, 1283, 1293, 1301, 1321 और 1354। मतलब 1259 से लेके 1354, तो आप लोग समझिए कि 100 वर्षों तक 8 बार बहुत ही जबरदस्त आक्रमण हुए हैं कॉप्टिक क्रिश्चियंस पे। ये आक्रमण तो हुए ही हैं, साथ में क्या हुआ है कि लिखा है कि मिस्र में उत्तर भाग, मिस्र दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, दोनों क्षेत्रों को, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो कोई भी चर्च ऐसा नहीं था जिसको ध्वस्त नहीं कर दिया गया। और उन्हीं स्थानों पर जहां वो चर्च हुआ करते थे उन पर मस्जिदें बना दी गई। तो ये इस्लाम का पूरी दुनिया में ये रीति नीति रही है कि जो पुराने, जो कुछ भी किसी दूसरे का उपासना स्थल हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, तो उसको तोड़ के इसको बना दिया जाए। तो अपने आप में इसीलिए आप जानते हैं कि इसी इस्लाम का कोई लेना, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उन पापों के कारण ही उसके भार से ये दब के समाप्त होने वाले हैं। मैं उस विषय पर भी आऊंगा। दूसरा क्या था कि कोई भी मुसलमान जो कहता है कि मैं मुसलमान नहीं रहूंगा तो उसके लिए मौत की सजा है, यानी कि उसकी गर्दन काटी जा सकती है। तो यह भी एक कारण है कि मुसलमान तो कोई बन सकता है, लेकिन मुसलमान दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो आप कॉप्टिक क्रिश्चियन है तो एक विवाह करेंगे,
जब आप मुसलमान हो गए तो चार विवाह करने लग गए, तो आपकी संख्या उससे भी बढ़ी। और ये जो विवाह वाली बात है और मतलब बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, इस पर तो मैं विशेष जानकारी देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो आज की के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही भयानक है। मिस्र की जनसंख्या आज 11 करोड़ से अधिक है और मिस्र में जो PFR है, कहीं किसी देश की जनसंख्या कितनी तीव्र गति से पड़ रही है उसकी गणना का आधार होता है TFR। TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, एक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये TFR है। भारत में 2.1 है, सामान्यता 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है, स्थानापन्न रेट कहा जाता है। अर्थात दो माता पिता हैं, उनके दो बच्चे हुए, तो आप समझिए कि जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, जनसंख्या का स्थिरीकरण होता है। 2.1 इसलिए होता है कि 10 स्त्रियों में कहा जाता है कि एक बच्चा कम हो सकता है किसी न किसी कारण से, या 10 स्त्रियों में 10 के 10 बच्चा नहीं जन्म देंगे। तो भारत का यदि TFR 2.1 से कम होता है तो आने वाले समय में, अभी तो लोग जो जिनका जन्म हो गया वो जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, लेकिन जैसे जैसे नई नई पीढ़ी आती जाएगी तो एक समय आएगा न केवल जब जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, जनसंख्या घटने लगेगी, जैसे जापान में हो रहा है, रूस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, इन जैसे बहुत सारे देशों में हो रहा है। लेकिन आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो मिस्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये लगभग 3 के आसपास है, 3। अर्थशास्त्री कहते हैं मिस्र के विषय में कि इसकी जो तेज गति से बढ़ती जनसंख्या, उसके कारण ये समृद्ध देश नहीं बन सकता। मान लीजिए 100 लोग हैं, आपके पास 100 रुपया है, अगले वर्ष आप 110 रुपया कमाते हैं, लेकिन अगले वर्ष 110 लोग हो जाते हैं, तो आपकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उस व्यक्ति को जितना पैसा मिल रहा था उतना ही पैसा मिलेगा। भारत में भी ऐसा हुआ 70 के दशक तक, यही स्थिति थी हमारी, क्योंकि जनसंख्या दर बहुत तेज थी और जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर थी वो उसी के बराबर थी। तो मिस्र इसी दौर से गुजर रहा है और यो ऐतिहासिक सच्चाई है। आप देखिए जो मैं बात कह रहा हूं कि आप बहुविवाह कर रहे हैं, 4-4 बार विवाह कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आपके पास कोई स्त्री आएगी, आप उसका मतांतरण कर दीजिए, उसको मुसलमान बना दीजिए, लेकिन आपकी स्त्री किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती, उसके लिए भी फिर उसको गर्दन काट दी जाएगी, मौत की सजा हो जाएगी, क्योंकि वो इस्लामी देश। तो इस प्रकार से इस्लाम ने वहां पर फैलना आरंभ किया और कहते हैं कि वहां पर लगभग, इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है कि आप समझिए कि जैसे 644 में आप कह लीजिए कि वहां पर आक्रमण होता है इस्लाम का, और मुश्किल से 150 वर्षों में 80% जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है वे मुसलमान बन जाते हैं 800 तक, और 800 से 1400 में आने में जो ये 600 वर्ष बीते हैं इनमें फिर 10% और मुसलमान हो जाते। इस प्रकार आज की परिस्थिति यह है कि पूरे मिस्र में केवल 10% कॉप्टिक क्रिश्चियन बचे हुए हैं। उन पर अनेक बार हमले होते हैं और उनके विषय में मीडिया में काफी जानकारी है, जिनको रुचि है वो उसके बारे में देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस्लाम ने मिस्र को और इस्लाम से पहले ईसाइयत ने जो गौरवशाली अतीत था मिस्र का, उसको रौंद दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। और पहले ईसाइयत रही कुछ 100 वर्षों तक,
और उसके बाद से सातवीं शताब्दी से It's 8 o'clock. दो जो 21वीं शताब्दी है इस बीच में इस्लाम का आधिपत्य रहा. अब हम देखते हैं आज की परिस्थिति कि इस्लाम और जो गौरवशाली अतीत है इन दोनों के बीच का क्या अंतः संबंध है, यही हमारा मुख्य विषय है. और अच्छी बात यह है कि आज मिस्र का के समाज का पढ़ा लिखा जो है उस पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा हिस्सा और साथ में शासक वर्ग, ये सारे लोग गौरवशाली अतीत से जुड़ना चाहते हैं और इस्लामी या अरबी जो उनका संबंध था उसको या तो तोड़ना चाहते हैं या उसको दुर्बल करना चाहते हैं. इस विषय में बहुत ही रोचक कुछ बातें हैं कि मिस्र में जो आज रुपए होते हैं और हमारे यहां भी रुपए पे कुछ ना कुछ तस्वीर हमारे यहां होती है, तो यहां पर तस्वीर जो होती है तो एक तरफ इस्लाम का उल्लेख होता है और दूसरी तरफ गौरवशाली जो अतीत है मिस्र का, उसमें चाहे पिरामिड या मंदिर जिसको आदित्य जी कह रहे हैं, उनके विषय में कोई ना कोई उनसे जुड़ा हुआ चित्र होता है. तो इसमें लेकिन ये दोनों एक हिसाब से कहिए कि द्वंद्व की स्थिति रहती है कि कौन किस पे हावी हो रहा है. और यही स्थिति इंडोनेशिया की भी है जहां का भी अतीत हिंदू रहा है और आज जो मुसलमान है उनको बहुत सारी बातें स्वीकार्य नहीं लगती हैं, लेकिन एक और ये भी उनको लगता है कि यदि हम अपने अतीत को नहीं माने तो फिर माने क्या. इस्लाम मान करके किसी का आज तक दुनिया में भला होता हुआ हो ये मुझे ज्ञात नहीं है. आज मिस्र की स्थिति यह है कि पिछले वर्ष 44 बिलियन डॉलर का उन्होंने एक्सपोर्ट किया था. यहां मैं यह भी बता दूं कि मिस्र अपेक्षाकृत एक गरीब देश है क्योंकि 60% जो इसकी जनसंख्या है वो या तो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के आसपास है. तो वह मिस्र अपनी निर्धनता से बाहर कैसे आए, वो समृद्ध कैसे बने, यह सबसे बड़ी समस्या है मिस्र की. उसके सामने हर समय विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा रहता है क्योंकि 44 बिलियन डॉलर जो मैंने कहा उसका निर्यात करता है और आयात करता लगभग 100 बिलियन डॉलर का, दुगने से अधिक. अभी भी 3 बिलियन डॉलर वो आईएमएफ से लेना चाह रहा है, आईएमएफ उसको दे नहीं रहा क्योंकि आईएमएफ की अनेक शर्तें होती हैं जो स्थिति पाकिस्तान की है. अब यहां देखने वाली बात यह कि 44 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है मिस्र का, उनमें से उनमें आप कहिए कि पेट्रोल जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि वहां थोड़ा तेल भी होता है, गैस भी होती है, उसको बेचते हैं. उसके अतिरिक्त इनके पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय कपास के या कह लीजिए कि वस्त्र के, और कपास और वस्त्र की का मूल्य इतना अधिक नहीं होता क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहे वो कार हो, जीप हो, गाड़ियां हो, वाहन हो, सब कुछ खरीदते हैं. उनके सामने कितनी कपास बेचे, कितना कपास बेचेंगे आप. तो जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उनमें आप ये देखिए कि 13 बिलियन डॉलर जो कि बहुत बड़ी मात्रा है वह मिस्र केवल पर्यटन से कमाता है. और कोई पर्यटक मिस्र में क्यों आता है, वह आने का एक ही कारण होता है पिरामिड रूपी मंदिर को देखने या जो अन्य मंदिर है उनको देखने. इस्लाम के पास दिखाने को ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिखा दे. इस्लाम ने 1400 वर्षों में ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसको देखने के लिए संसार के लोग उमड़ पड़ते. बनाया सनातनियों ने क्योंकि कला उनके पास थी, बनाना उन्हें आता था. और सबसे बड़ी बात इस्लाम के साथ संकट है, बनाए तो बनाए क्या, मूर्ति वो बना नहीं सकते
नृत्य संगीत में रम नहीं सकते, गा सकते नहीं है, ये सब इस्लाम में गुनाह है। और मुझे समझ में नहीं आता कि फिर इस्लाम है क्यों धरती पर। वैसा मनुष्य कैसा होगा न जो हंसेगा न गाएगा न कला कला है न कुछ है। इसीलिए उनके भवन में कुछ होता नहीं है, मूर्ति हो नहीं सकती। आप संसार में घूम के देखिए हम किस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। भारत के मंदिरों के प्रति आकर्षित होते हैं, यूरोप में जो बड़े बड़े भवन बने हुए हैं जिनमें मूर्तियां उकेरी गई उनको देख के प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस्लामी वास्तुकला में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा है मरुभूमि में उपजा हुआ एक रिलीजन है, वहां शून्यता है। दिनकर ने बात लिखी है अपनी पुस्तक में कि वहां शून्यता है, निर्जन है। जो भूमि है उसमें जिसको हम शस्य श्यामला कहते हैं, जिसको देखकर प्रफुल्लित होते हैं, उसकी अनुपस्थिति है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने हरियाली देखी नहीं है, प्रकृति की सुषमा के दर्शन नहीं किए हैं। संभव है इसका प्रभाव पड़ा हो इस्लाम के अभ्युदय पर कि उसमें कुछ नहीं है। तो आज की परिस्थिति क्या है, तो हमारे सामने जो लेखक हैं वो कहते हैं कि भाई यह जो विषय है द्वंद्व का कि अतीत को देखो उधर के मुड़ो या इस्लाम की तरफ रहो, क्या रहो, क्योंकि दोनों में विरोधाभास है। यदि आप मंदिर को मानते हैं तो इस्लामी दृष्टिकोण से आप शिर्क करते हैं और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम। लेकिन एक और भी अजीब बात है कि इस्लाम यह मानता है कि इस्लाम के आने से पहले अरब में दौरे जहिलिया था। दौरे जहिलिया का मतलब जिस दौर में जाहिल लोग रहते थे। जाहिल का मतलब क्या होता है, महामूर्ख, अज्ञानी, जिसको कुछ नहीं पता। मैं आज तक इस विषय से अपने आप को आश्वस्त नहीं कर पाया हूं कि ऐसा हो सकता है क्या। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पूर्वजों का दौर दौरे जहिलिया था, इसका अर्थ यह होगा कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी सारे जाहिल थे, अज्ञानी थे, मूर्ख थे। तो क्या इस्लाम में यह मान्यता है कि जो मोहम्मद पैदा हुए या जब उन्होंने इस्लाम बताया, वो तो स्वयं ही वो मुसलमान नहीं थे। जब वो मुसलमान स्वयं नहीं थे तो वो भी पहले क्या थे और उनके पूर्वज क्या थे। अब मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़ी बात किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कहना कि मेरे पूर्वज दौरे जहिलिया में रहते थे, ये बहुत ही उदंड वक्तव्य है। और यह सिद्ध करता है कि वह व्यक्ति जो ये कह रहा है वो जाहिल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो जो पूर्वज हैं वो पूजनीय हैं, उन्हीं के कारण तो हम आए हैं। मान लीजिए हमने उन्होंने कम पढ़ाई की होगी लेकिन हमें योग्य बना दिया तो हमारे लिए वो पूजनीय है। बहुत सारी स्त्रियां घर में होती हैं, औपचारिक शिक्षा नहीं मिलने पर भी वो ज्ञानी होती हैं, उनमें सहज बुद्धि होती है, हम कैसे कह दें कि वो दौरे जहिलिया। दूसरा, दौरे जहिलिया बिल्कुल था ही नहीं, यह स्वयं सिद्ध है, क्योंकि मोहम्मद की पत्नी खदीजा, जिनके विषय में जितनी जानकारी इस्लामी स्रोतों से हमें प्राप्त होती है कि वह धनी मनी थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी बताई गई है, और अपना कारोबार स्वयं देखती थी, तो वो जिस दौर से गुजरी है उसी का नाम तो आपने दौरे जहिलिया दिया। क्योंकि आपके दौर में 1400 वर्षों में कोई दूसरी खदीजा नहीं पैदा हुई। फिर इन्होंने ये कहा कि पहले दौरे जहिलिया में लड़कियों को बच्चियों को दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, यह भी शुद्ध रूप से मिथ्या है। लड़कियां मार दी जाती थी तो खदीजा कैसे जीवित थी, और ये चार चार जो निकाह होते थे ये कहां की लड़कियों से होते थे।
अपने इस्लाम को सिद्ध करने के लिए कि यह भी कुछ चीज है, सही है, ऐसा ऐसा काम इन्होंने किया हुआ है। मिस्र का संकट आज यही है। एक मुसलमान मिस्री कैसे यह स्वीकार करेगा हृदय से कि वो जो बहुदेववादी पृष्ठभूमि है वो इतना इतना उज्जवल है, वो इतना अच्छा है, वहां इतना ज्ञान था, ऐसी कला थी। दौरे जहिलिया का जो सिद्धांत है वो ध्वस्त हो जाता है, जिसे ये जीते जी स्वीकार नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा द्वंद है, बहुत बड़ा संकट है मिस्र के सामने। कुछ लोगों ने ऐसा भी पूछा कि भाई ये जो जितने पिरामिड में जो राजा महाराजा जिनकी समाधि है और जिनको रखा गया है उनके शव को, क्या इनको जन्नत नहीं मिलेगी? क्योंकि इस्लाम में तो एक ही विचार है कि जो मुसलमान है जन्नत उसी को मिलेगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है, कोई मुसलमान डाकू हो, चोर हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, और दूसरा व्यक्ति जो मुसलमान न हो वो धरती का सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे बड़ा साधु हो, सबसे बड़ा परोपकारी हो, लेकिन उस परोपकारी को इस्लाम के हिसाब से जन्नत का द्वार उसके लिए नहीं खुलेगा। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई ये जो राजा महाराजा जो जिनकी मम्मी बनी हुई है और जो पिरामिड में है, क्या इनको तुम्हारा इस्लाम जन्नत भेजेगा? तो इनका कोई जवाब नहीं होता। क्या जवाब देंगे? बस ऐसी ऐसी कुछ बातें बनाते हैं दिल के बहलाने के लिए, कि ये कहते हैं कि भाई ये तो इस्लाम आने से पहले थे, जो गुजर गए उनके सामने इस्लाम ने तो वो था ही नहीं, उनके पास कुरान ही नहीं था। कुरान नहीं था तो वो विकल्प उनके पास नहीं था, तो विकल्प ही नहीं था तो जन्नत जन्म का प्रश्न कहां से आया? बात ये नहीं है, बात है कि शुद्ध रूप से ये नहीं स्वीकार करते कि वो बड़े अच्छे थे, उनको जन्नत में स्थान मिलना चाहिए। नहीं, ये इन प्रकार इन घुमा के उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अब कुरान में एक और दिक्कत है कि कुरान में बहुत सारी या 70-80% जो कुरान का हिस्सा है वो बाइबिल से लिया गया है, और बाइबिल से लिए गए हिस्से में बहुत सारी बातें मिस्र के विषय में बुरी बुरी बातें की गई हैं। जीसस के विषय में बुरी बातें की गई हैं कि उधर से उधर भगा दिया गया, उधर लगा कि भाई जो मिस्र का जो गवर्नर है वो मार देगा, ये करेगा वो करेगा, तो अब उसका क्या करें? वो कुरान में आ गया है। तो इसलिए अनेक तरह के द्वंद और संकट इनके सामने है। तो कुल मिला के बात है, लेखक बताते हैं कि चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, तीनों के जो ग्रंथ है और ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो मिस्र के विरुद्ध लिखा हुआ है, और वो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये मूर्ति पूजक थे और बहुदेव पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, नृत्य संगीत सब कुछ में विशारद थे, ज्ञानी थे, तो हिंदू थे, सनातनी थे। इनको कैसे कोई अब्राहमी पसंद करेगा? तो ये तीनों के शिकार हुए। यहूदी की संख्या कम है, यहूदियों की, इसलिए उनका अमूल्य कम करते हैं, लेकिन मुख्यतः ईसाइयों और इस्लाम मुसलमानों का बहुत बड़ा ये हुआ। तो अब ये स्थिति हुई है कि लंबे समय तक 1400 वर्ष इस्लाम का और उसके पूर्व 400-500 साल आप लगा दीजिए ईसाइयों का, तो 2000 वर्षों तक मान लीजिए ऐसा हमारे समाज को बताया गया कि ये जो पिरामिड है, ये जो मंदिर है, ये बुरा है, इसमें बुरी आत्मा रहती है, शैतान रहते हैं, इनको तोड़ देना, समाप्त कर देना, या उधर नहीं देखना चाहिए हमें, ऐसा यदि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया जाता है, तो आज जो मिस्र के लोग हैं उनके मन में क्या भावना होगी? तो बहुत स्वाभाविक है कि वे विरत हो जाएंगे। यदि आक्रामक नहीं होंगे तब भी विमुक्त तो हो ही जाएंगे।
और वो विमुख हो गए हैं, ये वहां के लोग। तो ये पूछा जाता है कई इजिप्ट के लोगों से, मिस्र के लोगों से, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम ने जो हमला किया, आक्रमण किया मिस्र पर, जजिया लगाया, अनेक अत्याचार किए, ये सब बहुत बुरा किया, तो आज जो इस्लाम है वहां पे जो समाज है वह इस चीज को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, इस्लाम बहुत अच्छा है, और जो आम बोलचाल में या वहां की शिक्षा में जो एक शब्द चलता है, दूसरा कोई देश होगा उसको बुरा लगेगा कि हमें अरब ने जीता, लेकिन यहां उसके लिए शब्द है फतह, फतह शब्द अरबी है, तो कहते हैं कि फतह शब्द जो है ये मिस्र का समाज बहुत सकारात्मक लेता है, उसको अच्छा लगता है कि हमारी फतह अरब ने की है। अब सोचिए कैसी बात। तो वो ये भी कहते हैं कि भाई हमाम तो जो है वो बिल्कुल मुसलमान देश हैं, इस्लामी देश हैं, और जब यहां पर थोड़े समय के लिए अंग्रेजों का शासन था तो इनकी मान्यता थी कि अंग्रेज जब हटेंगे तो हम फिर से उस्मानी साम्राज्य का पार्ट हो जाएंगे, ताकि पूरी तरह हम मुसलमान ही रहें। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि मिस्र में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अभी तक, ये सारे के सारे एक हिसाब से तानाशाह रहे हैं, वहां चुनाव का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है, और लोकतंत्र का, वैसे भी किसी इस्लामी देश में लोकतंत्र का कितना महत्व होता है आप स्वयं जानते हैं, यहां भी ऐसा ही रहा है। तो लगातार तख्ता पलट हुआ, अभी भी जो राष्ट्रपति सीसी हैं 2013-14 से, इन्होंने भी तख्ता पलट ही किया था, क्योंकि वोट मिला था किसी और को, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले को, उसको पसंद नहीं किया इन्होंने, सेना के साथ मिलके इन्होंने उसको हटा लिया। तो यहां पर जो अब्दुल नासिर थे, हमारे लिए गमाल अब्दुल नासिर, 1954 से लेकर 1970 तक राष्ट्रपति रहे, और इन्होंने ही और बर्बाद कर दिया मिस्र को, क्योंकि ये समाजवादी बने, और वैसे भी जहां तक मैं समझता हूं कि नेहरू की संगति जिस चीज के साथ रही वो सब लूट गए, बर्बाद हो गए, और नेहरू ने स्वयं अपने देश को भी बर्बाद किया। तो एक तो समाजवादी, ऊपर से मुसलमान, तो दोनों का मेलजोल कैसा होगा। तो ये जो अब्दुल नासिर है, इसी व्यक्ति ने पहली बार इजिप्ट के नाम के आगे अरब रिपब्लिक लिखवाया। और यहां मैं अब एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो मानचित्र आप देख रहे थे सुएज कैनाल के ऊपर, थोड़ा सा जो छोटा सा भूमार्ग है उतने से ही सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है ये मिस्र, शेष इसका कोई लेना देना नहीं अरब क्षेत्र से। और अरब क्षेत्र कितना बड़ा है, जहां अरबी भाषा बोली जाती थी वो हिजाज है, वो मक्का और मदीना का क्षेत्र है, बहुत छोटा सा। सीरिया की भाषा अलग है, इराक तो ईरान का हिस्सा रहा है, पारसिक देश का, और उधर मिस्र, तो यह तो बहुत पुराना मानव समाज है, बहुत पुराना इतिहास है इसका, बहुत ही उज्ज्वल भाषा रही इसकी, इसकी अपनी लिपि रही है। आज जो मंदिरों में जो कुछ लिखा हुआ है, पिरामिड में जो कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं को पढ़ के तो लोग इतिहास रच रहे हैं, वहां पे भाषाई रूप से समृद्ध है, साहित्य समृद्ध है, और वो भाषा उसको समाप्त कर दिया गया। जब से इस्लाम आया है मिस्र में, मिस्र की जो सबसे बड़ी क्षति हुई है वो उसकी भाषा की हुई है। अरब के आते ही
सरकारी कामकाज के लिए औपचारिक रूप से अरबी भाषा को स्वीकार कर लिया गया। आज तक अरबी का वहां पर आधिपत्य है। जब आपकी भाषा गई तो आप समझिए आपका सब कुछ चला गया, क्योंकि दूसरी भाषा में आप अपने अतीत को या अपनी भावनाओं को जो 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 स्थानीय रूप से जो अभिव्यक्ति दे सकते हैं वह अरबी भाषा में असंभव है। और यही हुआ मिस्र के साथ। मिस्र को हर तरह से काट के अपने अतीत से दूर फेंक दिया गया। एक जड़कटे समाज के रूप में आज मिस्र खड़ा है। और इसमें जो आखिरी काम था वो इस गमाल अब्दुल नासिर ने किया। उसने इसको अरब रिपब्लिक बनाया। अरब से इसका कोई लेना देना। मिस्र जो नाम मैं कह रहा हूं यह भी मिस्र का नाम नहीं है। अंग्रेजी में इजिप्ट होता है क्योंकि वो एक ग्रीक शब्द है। एशिया, यूरोप, एजियन, इजिप्ट, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं भूमध्य सागर के आसपास। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मिस्र तो अतीत इतना समृद्ध, उसका नाम क्या होगा। मैंने ढूंढा, पता चला उसका नाम है केमत। अब अंग्रेजी में लिखा है केईएमईटी, मैं नहीं जानता, एक कामत हो सकता है, लेकिन यही उसका असली नाम है जो मिस्री भाषा में है, कामत। तो कितना उसको नष्ट किया गया। नासिर ने ऐसा किया। क्या मिला नासिर को? यह देश दरिद्र होता गया, कमजोर होता गया, और वो जो अरब बनना चाह रहा था उसकी चूलें हिल गईं, समाप्त हो गया। क्यों? एक ही पिटाई में जो इज़राइल ने की इसके साथ। जब पूरा अरब लड़ना चाह रहा था इज़राइल से, इज़राइल ने ऐसी पिटाई की कि इजिप्ट सबसे पहले समर्पित हो गया इज़राइल के प्रति। संधि भी कर ली उसने। और आज जो उस मानचित्र में सिनाई आप देख रहे हैं प्रायद्वीप, उसका जो बड़ा क्षेत्र है उस पर इज़राइल का अधिकार है। इज़राइल और मिस्र एक तरह से अड़ोसी पड़ोसी हैं। दोनों की भूमि की जो सीमा है वो मिलती है, तो वो भी कोई लाभ नहीं हुआ। आज मिस्र इज़राइल से समझौता किया हुआ है और अच्छे संबंध हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भी उसने हमास का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हमास की ट्रेनिंग ही हुई है मुर्सिल ब्रदरहुड के द्वारा। और आज जो राष्ट्रपति सीसी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को ही हरा के उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे ये बात सही है कि मिस्र के जो ऊपर के लोग हैं, राजन्य वर्ग हैं, उनका मानना है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को मैं आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, और इसीलिए सीसी आज राज भी कर रहे हैं। लेकिन यहां आप समझिए कि अरब बनने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन वही रोग है इस्लाम वाली, जिस इस्लाम के कारण आप अपने आप को लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात यह हुई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस्लाम और अरब दोनों से मिस्र निकल रहा है और वह मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि केवल पर्यटन से $13 बिलियन आज मिस्र को मिल रहा है। यदि पर्यटन मित्र देश बन जाए तो यह 13 का $50 बिलियन हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया और एक बहुत बड़ा परेड कराया। ये जो राजा महाराजा पिरामिड में हैं उनके शवों को निकाल के, जैसे हमारे यहां 26 जनवरी की परेड होती है वैसी परेड की गई, बहुत ही सुंदर वाहनों में रखकर, और वाहनों के बगल में
खूब सुंदर लड़कियां थी जो नृत्य कर रही थी, गा रही थी, और एक प्रोसेशन, एक प्रदर्शन, प्रदर्शनी की गई जिसको टीवी पर लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और सारी दुनिया में उसका प्रसारण हुआ। इसके बाद वहां आपस में बहस चलने लग गई। एक ओर से मुसलमान जो है, जो इस्लाम का पक्ष रख रहे, वो कुछ बात कर रहे हैं, सरकार कुछ बात कह रही है। फिर उन्होंने क्या किया, जो मिस्र की भाषा है उसके महत्व को समझा। अच्छी बात क्या है, मिस्र की भाषा मरी नहीं है, और भाषा जो इतनी प्राचीन है और इतने बड़े समाज में चल रही है, अचानक मरती भी नहीं है। यह भाषा लोक भाषा के रूप में, बोली के रूप में, बोलचाल के रूप में जीवित रह गई, और आज भी मिस्र के लोग जो आपसी बातचीत करते हैं, खुल के बात करते हैं, मिस्री भाषा में ही करते हैं। और उस बातचीत के कारण परिणाम क्या हुआ कि आप चाहे कोई टेलीविजन चैनल बनाइए, कोई मनोरंजन प्रधान काम कीजिए, ये सारे काम मिस्री बोली या भाषा में होने लगे। तो उसकी लोकप्रियता में बहुत कमी नहीं आई, औपचारिक स्थान पर वो भाषा नहीं पहुंची या नहीं रही। जैसे कुछ हद तक हमारे अंग्रेजी की स्थिति है कि औपचारिक काम में सरकार उसको महत्व देती, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि हिंदी मिट गई, हिंदी में ही बाकी सारे काम होते। तो वो भाषा उभर के आ रही है, और सोशल मीडिया ने और अन्य जो ये उपकरण हैं, इन्होंने उसमें और तेजी ला दी। और अब जो बड़े बड़े विद्वान हैं मिस्र के, उन्होंने भी उस भाषा को अपना लिया है। इस अपनाने से ऐसा है कि बहुत समझिए कि गर्म माहौल हो जाता है, और जो इस्लामी तत्व हैं वो बार बार प्रश्न करते हैं कि भाई तुम तो ये करोगे तो फिर तो अरबी खत्म हो जाएगी। एक विद्वान है जिन्होंने ये बात कही है कि हमें अपने अतीत से जुड़ना ही होगा, और उन्होंने कहा है ना अरब हमारा अतीत है ना इस्लाम हमारा अतीत है। ये साहस उनमें आया है। और सबसे बड़ी बात, जब ये प्रोसेशन जिसकी मैंने बात की, प्रदर्शनी हो रही थी वो ममी की, तो एक मंत्री है, मंत्री पर भी कुछ आरोप लगाया गया कि भाई तुम तो इस्लाम से दूर जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। उस मंत्री ने इतना सुंदर जवाब दिया, उसने कहा कि हमें यही करना होगा, ये हमारा है। उस अतीत पर स्वामित्व स्थापित किया उस मंत्री। और सबसे बड़ी बात, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति स्वयं उस प्रोसेशन में शामिल था। सरकारी तंत्र पूरी तरह लगा हुआ। तो अब समाज का भी जो एक हिस्सा है, वह इस महत्व को और इससे जुड़े हुए लाभ को समझ गया है। तो अब चाहे साहित्य हो, संगीत हो, ये सब कुछ में वो अपने अतीत की तरफ मुड़ रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि भाई ये तो फॉरेन प्लॉट है, विदेश का षड्यंत्र है कि अरब यूनिटी को समाप्त कर दो, अरब लैंग्वेज को समाप्त कर दो, और पैन अरब जो आइडियोलॉजी है उसको समाप्त करो। लेकिन जो लोग मिस्र के गौरवशाली अतीत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो तनिक भी इस चीज की परवाह नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही होने वाला है और वही होगा। तो इस प्रकार से यदि आप ध्यान से सोचिए एक बात, जिसको आप आज अरब कह रहे हैं वो वस्तुतः अरब नहीं है, न मिस्र अरब है, न लीबिया अरब है, न मोरक्को अरब है, न ट्यूनिशिया अरब है। अरब केवल मक्का और मदीना का क्षेत्र है जिसको इस्लाम के नाम पर जबरदस्ती बलात् फैलाया गया। लेकिन एक मिनट के लिए इस फैलाए हुए अरब की भी यदि बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा देश पिछले 1400 वर्षों से जो रहा है वह मिस्र है। और इस प्रकार से मिस्र इस्लाम का केंद्र रहा है। अल अजहर यूनिवर्सिटी, जो इस्लामिक शिक्षा के लिए संसार में इससे बड़ा, बढ़िया और पुराना विश्वविद्यालय नहीं है, जो कि कायरा में है। तो सच्चाई यह है कि मक्का मदीना भले ही सऊदी अरब में हो, लेकिन शैक्षणिक रूप से या अन्यथा
बल के रूप में भी इस्लाम का जो केंद्र है वो मिस रहा है। यदि उस केंद्र से इस्लाम छिटक जाता है, जो कि मैंने जितनी बातें बताई उनसे सिद्ध हो रही है, तो इस्लाम का क्या होगा? क्योंकि ये सटा हुआ क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, इतनी दूर नहीं है अरब से, यह बिल्कुल निकट है और यह अवश्यंभावी है। आज मिस्र के पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मिस्र यदि अपने गौरवशाली अतीत की तरफ नहीं लौटता है तो मिस्र जी भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो अरब क्षेत्र देखते हैं उनमें दो ही तीन देश हैं जो संयोगिक रूप से तेल के कारण पैसे वाले हो गए हैं, अन्यथा यमन, सीरिया, सूडान, ये सब संसार के महादरिद्र देशों में से हैं। इनके पास कुछ धन नहीं है। तो यहां पर अब जो मुझे कहना है, एक ही पॉइंट और कहना है कि जो दरिद्रता है मिस्र की, मिस्र की बुरी हालत है, उसका एक इंडिकेटर मैं बताना चाहता हूं, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। ये आपकी प्रगति का बहुत बड़ा मापदंड है, इसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि अगर आप इनोवेटिव नहीं तो आप किसी काम के नहीं है। इसमें जहां भारत का स्थान सारे संसार में 40वें नंबर पे है, वहां मिस्र का स्थान 86वें नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में, इनोवेशन में, रिसर्च में आज कहां पर है मिस्र और उसकी क्या दशा है। तो इसलिए अब एक जो अंतिम बात है वो है कि भारत में हम लोग बैठे हुए हैं, आदित्य जी अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारत को निश्चित रूप से मिस्र के समर्थन में खड़ा होना चाहिए और मिस्र के जो सनातनी तत्व हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि मिस्र बहुत शीघ्र अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ लौट जाता है, उसको अपनाता है और शुद्ध रूप से सनातनी होकर आगे बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद। चरिंद्र जी, ये मैं नक्शा दिखा रहा हूँ, दर्शकों को थोड़ा आइडिया होगा। देखिए कितना विमसिकली डिवाइड किया है टेरिटरी अपनी मनमानी से। ये सीधा लाइन स्केल लेके खींच दिया, सीधा लाइन स्केल देके खींच दिया। और ये जो आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स का बाउंड्रीज है, और कल्चर अगर आप देखेंगे तो मिस्र का कल्चर, लीबिया का कल्चर, उसके नीचे जो ये देश है ये सूडान, उसका कल्चर, साउथ सूडान, और फिर पूरा कल्चर सेम ही है पूरा। यहाँ तक कि किलिमंजारो तक सेम कल्चर चल रहा है, किलिमंजारो तक। तो इट इज टोटली नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी इसके लिए एक प्रॉब्लम है, बिकॉज नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है दी कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। मैंने तो वो विषय लिया ही नहीं अभी, क्योंकि समय हो गया, तो मैंने सोचा कि अब अगला शो इस पे रखेंगे। अगला शो वो करूंगा, क्योंकि इसमें कहीं भी जो अगर देश की बात कीजिए तो इतिहास के हिसाब से मिस्र में ही वो दम है कि वो अतीत उसका है। करेक्ट, बाकी तो कोई देश नहीं है, ये सऊदी अरब नाम का कोई देश नहीं। मैंने कहा ना, वैसे भी सऊद परिवार है, परिवार के नाम पर क्या देश बनेगा? ये तो ऐसे है, ये आप रह रहे हैं अमेरिका में, एक देश बना लीजिए, नाम लिख दीजिए आदित्य उसका, फाइंडर्स कीपर्स, आदित्य देश, ये नाम रखिए कैलिफोर्निया का। तो ये वैसे ही होगा, ऐसा कोई नाम होता है? वो जो जॉर्डन है, एक कहानी है, मैं समाप्त करने से पहले बताता हूं कि जब देश बन रहे थे तो जॉर्डन का आदमी देर से पहुंचा अंग्रेज के पास, वहां हफ्ता हुआ पहुंचा, बोला क्या हो गया भाई? तो बोला कि हमारा देश दे दीजिए, आप इतने देश बना रहे हैं जैसे लग रहा बट रहा था सवेरे शाम तक हमारा जो लंगर लगता ना वैसे। तो बोला तुम कहां थे यार, तुम्हें तो पीछे चला गया था, मुझे देर हो गई। बोला आप बोलो क्या करना है? बोला एक देश दे दीजिए ना। बोला नाम क्या रखोगे? बोला नाम तो है ही नहीं। बोला यार तुम्हारा नाम ही नहीं है, कुछ है वहां पे? बोला कहां, एक नदी है। बोला ना क्या नाम है? जॉर्डन। बोला तुम्हारा नाम जॉर्डन हो गया, जा। तो ऐसे तो देश बने। अरे हमारी तो परम आदरणीय कुसुमलता दीदी हैं, उनका तो ये प्रिय विषय है, वो रौंद देती हैं कि देश जो है सारे कृत्रिम है, और बात सही भी है।
और इसी कृत्रिमता के कारण तो हम समस्या झेल रहे हैं। जिनके पास अभ्यास नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, तो क्या करेगा वो। अब मैंने बंदूक चलाई नहीं, आपने तो चलाई है अमेरिका में राइफल वगैरह, मैं जे आप बंदूक पकड़ा दीजिए, मैं क्या चलाऊं, उससे बढ़िया मेरे लिए लाठी है, मैं लाठी चला सकता हूं, बंदूक नहीं चला सकता क्योंकि मैंने चलाई नहीं है। अब मैंने घोड़ा नहीं दौड़ा है, आप कहेगी नहीं घोड़े बैठिए, मैं गिर जाऊंगा। इसने देश देखा ही नहीं है, शासन चला ही नहीं है, शासक क्या होता है जानता ही नहीं है। इधर सऊद का परिवार था और इधर जो मक्का का जो हेड था अब वहाबी, उन दोनों के बीच समझौता हो गया, चलो आज से राज करते हैं। तो राज करने बाद उस्मानी थे, उस्मानी कौन होते हैं, तुर्क होते हैं, तुर्क तुरुष्क है जो कि क्षत्रिय हैं, उनको आता था शासन करना। तो एक्चुअली क्या है कि दर्शकों को बता दो, अगर आप हमारे सतोलॉजी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आने वाले अगस्त 24-25 डॉक्टर शैलेंद्र कुमार अमेरिका में होंगे, कंफर्म्ड है, उनका वीजा भी हो गया है, टिकट भी हो गया है, और वो सैनडिएगो में रहेंगे 24-25 को, और हम लोग काफी जगह घूमेंगे आसपास के एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता से वीजा दे दी है, तो आपके दर्शन हो जाएंगे, तो जरूर आप जुड़िएगा हमारे साथ, उनके साथ मिलिएगा। और बहुत सारे ऑथर्स आने वाले हैं, 28 ऑथर्स कंफर्म हुए हैं जो आ रहे हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं, कुछ यूरोप से आ रहे हैं, कुछ इंग्लैंड से आ रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, और बहुत सारे अमेरिकन ऑथर्स भी रहेंगे, इंडियन अमेरिकन ऑथर्स, तो सबसे आप मिल सकते हैं अगस्त 24-25 को। और उसका कॉन्फ्रेंस है डिस्कवरिंग इनर ट्रुथ, दैट्स द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, आप वहां पे उनसे मिल सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए, और हमारे इस पॉडकास्ट में को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ महादेव, हर हर महादेव।